दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर पसंद आए तो कमेंट भी दें। मैं यहाँ जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ, जो आपके नॉलेज में बढ़ोतरी करेगा, या अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी मदद करेगा। तो सबसे मेरा जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट, वो भारत रत्न पुरस्कार के ऊपर है। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जो सबसे बड़ा पुरस्कार है नागरिक सम्मान के लिए, सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए। तो भारत रत्न पहला जो सवाल है कि भारत रत्न पुरस्कार किस पेड़ के पत्ते के आकार का है? नंबर वन पीपल, नंबर टू बरगद, नंबर थ्री नारियल, या फिर चौथा नीम। तो जो आंसर है इसका, उसका नंबर वन आंसर है पीपल। उसका जो आकार होता है पीपल के पत्ते के जैसा होता है। अभी दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक वर्ष में अधिकतम ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है? तो नंबर वन एक है, नंबर टू दो है, नंबर थ्री तीन है, और नंबर चार चार है। तो इन ऑप्शंस में से तीन जो है सही है, क्योंकि एक वर्ष में सिर्फ तीन व्यक्तियों को ही भारत रत्न का पुरस्कार दिया जा सकता है। याद रखें, इससे ज्यादा पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अभी अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार का स्थापना किस वर्ष में किया गया? भारत रत्न जो पुरस्कार है वो कब वजूद में आया, कब से चालू हुआ, यहाँ ये क्वेश्चन है। तो नंबर वन है 1950, सेकेंड 1992, थर्ड है 1954, और फोर्थ है 1996। तो ये जो पुरस्कार स्थापना हुआ वो 1954 में हुआ। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन राइट है। 1954 में चालू हुआ, स्टार्ट हुआ, स्थापना किया गया उसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केचुओं में कितनी आंखें होती है? जो फार्मर फ्रेंड्स बोलते हैं ना केचुए, जो चलते रहते हैं बरसात के दिनों में, तो उसकी कितनी आंखें होती है, तो सोचिए जरा। दोस्तों, केचुओं में कोई भी आंखें नहीं होती है। पहला ऑप्शन भी रॉन्ग, सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग, और थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग, चौथा सही आएगा, क्योंकि कोई भी इनमें से नहीं है, उनमें आंखें ही नहीं होती है। ठीक है, वो बस रेंगते हैं, जहाँ उनको सॉइल मिले वहां जाके वो घुस जाते हैं, वहां वो पैदा भी होते हैं बरसात के पानी से। और ये केचुए जो होते हैं वो फार्मर के लिए बहुत ही फायदेमंद के लिए होते हैं। अभी पांचवा जो क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो भारत रत्न ऐसा अवार्ड है, ऐसा पुरस्कार है जो भारत में जो सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाता है, कि सबसे अच्छे और सबसे सम्मान के काबिल जो व्यक्ति है उसको हम देते हैं। इसमें ऑप्शन है भारत रत्न, जिसका आंसर पांचवें क्वेश्चन का आंसर है भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। ठीक है, पद्म विभूषण सेकेंड ऑप्शन, पद्मश्री थर्ड, पद्म भूषण फोर्थ।
तो ये इस तरीके से ये सबसे नागरिक सम्मान जो होता है भारत रत्न होता है सर्वोच्च। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।